स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव और आज मैं आपको इस वीडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। तो वीडियो आप मेरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ये बात आप पूरी तरीके से जान लीजिए कि हमारे चैनल पर ज़्यादातर वीडियोज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही बनाई जाती है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए आज बात करते हैं जिस बड़ी खबर के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, वो बड़ी खबर क्या है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बड़ी खबर, देखिए आपके सामने दिख रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिख रहा है बड़ी खबर। ये कौन सी बड़ी खबर है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर लिखा है NTACUCET, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और आपका कॉमन यूनिवर्सिटी सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ बच्चों। तो देखिए इसके बारे में ये बताने वाला हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना प्रवेश परीक्षा कराने के लिए NTA को एक नोटिस भेजी थी जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है शायद, देखिए ये पूर्ण रूप से तो नहीं बताया जा सकता लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि CUCET इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ना हो। अगर ऐसा होता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कार्य बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर प्रवेश प्रक्रिया थोड़ी और लेट हो सकती है। बट अभी ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि CUCET नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिछले साल की तरह ही अपना एंट्रेंस कराएगी, होता है तो CUCET के माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।